राजधानी रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र में अपराधियों ने एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पंचवटी ज्वेलर्स से अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर 45 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए हैं। घटना गुरुवार को दोपहर 12 बजे की है। 20 मिनट में इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद तीनों अपराधी बाइक से भाग निकले। तीनों में से किसी अपराधी ने अपना चेहरा नहीं ढका था और ना ही हेलमेट पहन रखा था। उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में अपराध पर लगाम लगाने के निर्देश दिए थे और ठीक इस समीक्षा बैठक के बाद इतनी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। पंडरा ओपी क्षेत्र के बजरा स्कूल के समीप पंचवटी ज्वेलर्स में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है और इस पूरे घटनाक्रम की अब जांच शुरू हो गई है। सिटी एसपी के नेतृत्व में जो है एसआईटी का गठन किया गया है। घटनास्थल से हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ का सीधा रुख कर लेते हैं। सौरभ, आप घटनास्थल पर मौजूद हैं। कल दोपहर की यह घटना है, एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि तीन लोग बाइक से पहुंचते हैं और पिस्टल के दम पर पूरी इस घटना को 20 मिनट में अंजाम देते हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास है, क्या निकल के सामने आ रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समीक्षा बैठक करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेके। उसके बाद ठीक एक दिन के बाद राजधानी रांची में एक बड़ी लूट की घटना अंजाम दिया जाता है। आपको बताते चले कि ये पंडरा इलाके का मामला है कि पंचवटी ज्वेलर्स में तीन अपराधी बाइक सवार होके आते हैं और बंदूक की नोक पर लगभग 45 से 50 लाख की जेवरात लेके यहां से उड़ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी साबित हो रही है पुलिस प्रशासन की ओर से। खास करके राजधानी रांची की यदि बात की जाए तो आए दिन किसी न किसी प्रकार की बड़ी घटना को अपराधी यहां अंजाम देने में सफल हो जाते हैं। तो पुलिस प्रशासन पर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा हो रहा है। लगभग 24 घंटे का समय हो चुका है और अभी तक वो तीनों अपराधी की कोई पहचान नहीं हो पाई है और कहां गए हैं, किस ओर गए हैं और क्या कुछ उनकी तहकीकात की जा रही है, इसके बारे में पुलिस का कहना है कि हम एक एक पहलू पे अनुसंधान के एक एक पहलू पे कार्य किए जा रहे हैं और इसके साथ ही उन तीनों अपराधियों को बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आज बन्ना गुप्ता भी दुकान के मालिक से पहुंचने के लिए अभी से कुछ देर पहले यहां पहुंचे थे और उन्होंने दुकान के मालिक को आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही तीनों अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। हालांकि देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या रांची पुलिस इन तीनों को पकड़ने में सफल हो पाती है कि नहीं, क्योंकि बन्ना गुप्ता का अभी कहना है कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी सजग है और अपराधी जल्द से जल्द पुलिस के गिरफ्त में होंगे। बिल्कुल सौरभ, देखिए समीक्षा बैठक होती है और उसके अगले दिन ही इतनी बड़ी वारदात को अपराधी अंजाम देते हैं, इससे ये समझ आता है कि किस कदर राजधानी रांची में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। और देखिए 24 घंटे बीत चुके हैं, कोई भी अपराधी अभी तक पकड़ में नहीं आया है। पुलिस जरूर दावा कर रही है कि हम उन तक जल्द पहुंच जाएंगे। एसआईटी का गठन हुआ है, जैसा कि आपने बताया कि आज वहां पर मंत्री बन्ना गुप्ता भी पहुंचे। मंत्री बन्ना गुप्ता ने क्या कुछ कहा है सौरभ, और सिटीएसपी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? इस मामले को लेकर कल सिटी एसपी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अनुसंधान के एक एक पहलू पे जांच की जा रही है। हालांकि कल इस अपराध के घटना के बाद राजधानी रांची के हर एक इलाके में चेकिंग अभियान लगाया गया कि उन तीनों अपराधियों को पकड़ा जाए। हालांकि इसमें पुलिस नाकाम दिखी है, लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या जल्द से जल्द ये जो अपराधी हैं इनके पुलिस के गिरफ्त में आते हैं, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि एक्सट्रीम बार में भी गोलीकांड हुआ था। हालांकि उसका खुलासा पुलिस ने बहुत जल्द कर दिया था। अब यह जो 45 से 50 लाख की जो लूट हुई है जेवरात की पंचवटी ज्वेलर से, ये एक बड़ा और संदिग्ध मामला, इसे लॉ एंड ऑर्डर की जो इसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। राजधानी रांची वासी का कहना है कि पुलिस प्रशासन मौन है, बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, आए दिन अपराधियों के हौसले सातवें आसमान पर है, तो पुलिस पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि हम लोग जांच कर रहे हैं और बहुत जल्द ही तीनों अपराधी हमारे पकड़ में होगा कर रही है और जल्द अपराधियों को पकड़ने की बात भी कह रही है। बन्ना गुप्ता ने क्या कुछ कहा है वो हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं। सौरभ, फिर आपके पास वापस आएंगे। ये घटना काफी दुखद घटना है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री लगातार क्राइम कंट्रोल को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगे हुए हैं, विधि व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो। और निश्चित तौर पर जो जिन लोगों ने अपराध किया है, इस तरह का कुकृत किया है, हमारे सिटी एसपी साहब,
डीएसपी साहब, डीआईजी साहब, सीनियर साहब, सभी लोग गंभीर हैं और बहुत जल्दी ये अपराधी पकड़े जाएंगे। साथ ही साथ ये तो पकड़े ही जाएंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को और जो है चुस्त दुरुस्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़े आदेश निर्देश दिए हैं, उसका भी अक्सर पालन जो है निश्चित तौर पर हमारा पुलिस प्रशासन करेगा। सर, देखा जा रहा है कि पुलिस मानव संसाधन की कमी तो और भी क्षेत्रों में है। अभी नियुक्ति के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बैठक किया था, तो सभी विभागों की भी नियुक्ति के भी हम लोग जो है उस पर भी काम कर रहे हैं। और पुलिस में भी जो आपने देखा होगा कि पूर्व में भी जो है अफसरों की नियुक्ति हुई थी, फिर जो है जो सहायक पुलिस कर्मी थे उनको भी जो है एक्सटेंशन वगैरह भी दिया गया, तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार काम कर रही है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। वो सारे जो भी अपराध करेंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा देकर न्यायालय के सुपुर्द किया जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा न्यायालय के द्वारा दी। चलिए सौरभ, तो मंत्री ने भी ये कहा है, मंत्री बन्ना गुप्ता वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि अपराधी जो भी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, जल्द पुलिस उन्हें अपनी गिरफ्त में लेगी। सौरभ, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे, इन वारदातों में सीसीटीवी फुटेज एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। अभी तक ये बताइए कि पुलिस को जांच में क्या हाथ लगा है, अपराधी तो दूर है लेकिन जांच में क्या कुछ पुलिस अब तक अपने हाथ लगा पाई है? देखिए, पुलिस टीम के द्वारा लगातार जांच के एक एक पहलू पे काम किया जा रहा है और इस दुकान की यदि बात की जाए तो दुकान में अभी फिलहाल पुलिस मौजूद है और जो दुकान के ओनर हैं उनसे भी बातचीत लगातार जारी है। एक अहम जानकारी आपको बता दें कि ये जो सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है उन तीनों अपराधियों का चेहरा उसमें आया है और रांची के विभिन्न सभी थानों में उन फुटेज को भेज दिया गया है कि ताकि जल्द से जल्द उन तीनों अपराधियों की पहचान की जा सके। तो जो सीसीटीवी फुटेज में उन तीनों का चेहरा साफ दिख रहा है, तो रांची के जितने भी थाने हैं वह उन थानों में तीनों अपराधियों का फुटेज भेज दिया गया ताकि अपराधी की पहचान जल्द से जल्द की जा सके। इसके साथ ही पुलिस की टीम चेकिंग अभियान भी लगातार जारी की हुई है कि कहीं से भी उन तीनों अपराधियों की कुछ सुराख मिले और हमारे हाथ तीनों अपराधी लग जाए। बिल्कुल, चलिए, तो पुलिस की तफ्तीश जारी है और आला अधिकारी इस पूरे घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर 24 घंटे बीत जाने के बाद अपराधी अभी तक बेखौफ घूम रहे हैं, पुलिस अपना शिकंजा उन पर कब तक कसती है। अपडेट के लिए हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे सौरभ, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजधानी रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र में एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और इस मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ है। हालांकि अभी तक जो तीनों आरोपी हैं, तीनों अपराधी हैं जिन्होंने लूट की पूरी वारदात को अंजाम दिया है, वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है, दावा मंत्री से लेकर तमाम बड़े अधिकारी कर रहे हैं कि पुलिस की गिरफ्त में अपराधी बहुत जल्द होंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 22 को।